तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान आज बनाएगा अपनी सरकार। जुमे की नमाज के बाद तालिबान सरकार का करेगा ऐलान, विरोधी देशों के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली दंगा को लेकर ताहिर हुसैन के भाई को कोर्ट ने किया बेइज्जत बरी, दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा आपने मुसलमानों के खिलाफ की है गलत जांच। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया नालायक बेटा, कहा घर का सामान बेचने वालों को कैसे माने लायक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने आरएसएस पर किया हमला, बोले ये गौडसे का मंदिर बनवाना चाहते हैं, देश में घुसा है सरकारी तालिबान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सरकार बनाने से पहले तालिबान के लिए चीन ने खोला खजाना, खुले रहेंगे काबुल में चीनी दूतावास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में डीएम के तबादले से खुश नहीं है किसान, बोले अगर डीएम को नहीं किया बीजेपी ने सस्पेंड तो भाजपा के खिलाफ हरियाणा में और पूरे देश में करेंगे प्रदर्शन, बढ़ गई है बीजेपी की मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें और हमें बताएं कि आपके जिले से हमारी इस खबर को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में आज तालिबान बनाएगा अपनी सरकार, जुमे की नमाज के बाद होगा ऐलान, विरोधियों के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में आज तालिबान अपनी सरकार बनाने जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जुमे की नमाज के बाद तालिबान सरकार बनाने का ऐलान करेगा। वही आपको बता दें कि अफगानिस्तान में ईरान की तर्ज पर तालिबान सरकार बनाने जा रहा है। वही आपको बता दें कि मीडिया हाउस की रिपोर्ट की माने तो सबसे बड़े धार्मिक नेता मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा को देश का सर्वोच्च नेता बनाया जाएगा। तालिबान की माने तो बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो गई है, सरकार के रूपरेखा पर भी मोहर लग गई है। तालिबान के वरिष्ठ नेता अहमदुल्ला मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़े प्रमुख नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा को राष्ट्रपति बनाया जाएगा अफगानिस्तान का। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि विरोधियों के पसीने छूटने लगे हैं अभी से तालिबान के आने के बाद। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों को लेकर ताहिर हुसैन के भाई को कोर्ट ने किया बरी, पुलिस को लगाई फटकार, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले साल पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। इन्हीं दंगों में ताहिर हुसैन और उनके भाई सहित अन्य कई मुसलमान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती जेल में झूठे आरोप लगाकर डाल दिया था और दिल्ली पुलिस उन्हें आरोपी दिल्ली दंगा का बता रही थी। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली दंगा को लेकर ताहिर हुसैन के भाई को आज दिल्ली के कटकटूमा कोर्ट ने बेइज्जत बरी कर दिया है और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो भी इसमें जांच की है और जो भी रिपोर्ट हमारे पास सौंपी है वह सब गलत है, मुसलमानों के खिलाफ पुलिस ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है। इसी पर फटकार दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने लगाई और कहा कि दिल्ली दंगों में दिल्ली पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है और सब कुछ गलत सलत हमें जानकारी दी है। इसी के साथ ताहिर हुसैन सहित ताहिर हुसैन के भाई और दो अन्य लोगों को कोर्ट ने बेइज्जत बरी कर दिया है और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी के कहने पर ही मुस्लिम राजनेताओं को गिरफ्तार करवाया था और उन्हें झूठे मुकदमों में अब तक जेल रखा था, लेकिन कोर्ट ने सच्चाई आखिरकार देश के सामने ला दी और दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के भाई सहित अन्य आरोपियों को बेइज्जत बरी कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय कॉमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने मोदी को बताया नालायक बेटा, कहा घर का सामान बेचने वाले को कैसे माने लायक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने महंगाई और निजीकरण को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आज बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी संसद में चर्चा चाहती है, लेकिन मोदी सरकार तो उनसे संसद में बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति को किसी भी कीमत पर मोदी सरकार द्वारा नहीं बेचने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सूट वूट वालों की सरकार है, उनकी तमाम नीतियां कारोबारी घरानों से ली हुई हैं। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्वजों की जमा की गई संपत्ति को बचाने का काम लायक बेटा करता है, नालायक बेटा तो उसे बेचता है जो बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के अच्छे प्रधानमंत्री कैसे होंगे, वो देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं, वो उस नालायक बेटे जैसे हैं जो अपने पूर्वजों की संपत्ति बेच देता है, क्या जनता ने इसीलिए उन्हें सरकार में भेजा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों
अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने आरएसएस पर बोला हमला, कहा ये भाजपाई बनवाना चाहते हैं देश में गौडसे का मंदिर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में किसानों पर हुए लाठी चार्ज के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राकेश टिकैत ने एक सभा के दौरान कहा कि सरकार ने लाठी चढ़वाकर किसानों पर ठीक नहीं किया है और किसान इसे नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि हमने तो ता जिंदगी लड़ाई लड़ी है, आपने तो ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ना ही मुगलों के खिलाफ। इसके बाद उन्होंने आरएसएस को निशाने पर लिया। टिकैत ने कहा कि आप बचकर नहीं जाओगे, आप तो महात्मा गांधी की हत्या करवाने वालों को पूछते हो, इससे इनका क्या रिश्ता है। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस के लोग गॉडसे का मंदिर देश में बनवाना चाहते हैं जो महात्मा गांधी की हत्या करके उनको पूछते हो, ये किस तरह का राष्ट्रवाद है। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि जिस तरह से देश में आरएसएस और बीजेपी अपनी जड़ बो रही है उससे पूरा देश तबाह हो जाएगा। तो ये बड़ा हमला राकेश टिकैत ने आरएसएस और मोदी सरकार पर आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाना हिंदू संगठनों को पड़ा भारी, कोर्ट ने पिंकी चौधरी को 14 दिन के लिए भेजा जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाना हिंदू संगठनों को भारी पड़ गया है। और दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने सांप्रदायिक नारे लगाने वाले पिंकी चौधरी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। चौधरी हिंदू रक्षा दल नामक एक संगठन का अध्यक्ष है और उस पर 8 अगस्त को जंतर मंतर पर आयोजित एक सभा में मुस्लिम समाज के विरोध में आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप लगा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में आज ये पेश हुआ। उसके बाद इसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है हिरासत में। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब दिल्ली पुलिस और दिल्ली कोर्ट नकेल इन हिंदू संगठनों पर नफरत फैलाने वालों पर कस रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकार बनाने से पहले तालिबान के लिए चीन ने खोला खजाना, खुले रहेंगे काबुल में चीनी दूतावास। जहां दोस्तों आपको बता दें कि तालिबान आज अफगानिस्तान में सरकार बनाने का ऐलान कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान की जर्रर अर्थव्यवस्था को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तालिबान सरकार कैसे चला पाएगा। ऐसे में तालिबान लगातार वैश्विक समुदाय से मान्यता मांग रहा है, जिसमें उसे चीन की तरफ से बहुत बड़ा आश्वासन मिला है। तालिबान को आर्थिक मदद देने के लिए चीन तैयार हो गया है। तालिबान ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि चीन ने आर्थिक मदद देने का वादा किया है और उन्होंने कहा है कि चीन में दूतावास अफगानिस्तान के खुले रहेंगे। चीन ने तालिबान को कहा है कि जितना भी पैसा आपको चाहिए सरकार चलाने के लिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन ने अपना खजाना खोल दिया है अफगानिस्तान में तालिबानियों के लिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश के सरकारी खजाने में हुए नुकसान की मोदी अमित शाह ने मांगी अधिकारियों से रिपोर्ट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में रेल और सड़क जैसे आधारभूत ढांचों पर काम जारी रहता है और इन कामों में कई कई साल तक रोक भी कोर्ट लगा देता है। भैया आपको बता दें कि देश के सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की कई परियोजनाओं पर रोक लगा दी, जिसमें आधा फैसला मोदी सरकार का हिलका हुआ रह गया। भैया आपको बता दें कि अब इसी रोक से सरकारी खजाने में भारी नुकसान हुआ है और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। भैया आपको बता दें कि सरकारी खजाने में कितने रुपए का नुकसान हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह ब्यौरा हमें ला कर दें कि आखिरकार सरकारी खजाने में जो है काम रुकने से कितने रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एसडीएम के तबादले से खुश नहीं हुए किसान, बोले सरकार ने नहीं दी कोई भी सजा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा के तबादले से किसान खुश नहीं है। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये ट्रांसफर करके सरकार ने एसडीएम को सेफ कर दिया है। उनका कहना है कि एसडीएम के खिलाफ सख्त एहसान होना चाहिए। इस मामले में किसान नेता गुरनाम सिंह चठूनी ने सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए ऐलान किया है कि अगर सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की तो वह उनके भवनों का घेराव करेंगे और हरियाणा में प्रदर्शन को और तेज करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छात्रों का बीजेपी सरकार पर आरोप, आरएसएस से जुड़े शिक्षकों को दी गई सीएम राहत कोष से आर्थिक मदद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने असम के मुख्यमंत्री ऑफिस पर राज्य में आरएसएस से संबंध स्कूलों के शिक्षकों को सीएम राहत कोष से अवैध रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छात्रों ने आरएसएस से संबंध विद्या भारती स्कूलों के शिक्षकों को पूरी तरह से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली असम सरकार की आलोचना की है, जिन्हें असम में शंकर देव शिशु निकेतन के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले असम की बीजेपी सरकार ने सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का ऐलान किया, लेकिन अब भाजपा जो आरएसएस से जुड़े स्कूल हैं, जो आरएसएस स्कूलों को असम में चला रहा है, उनके जो स्टूडेंट हैं जो
उनके टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं, उनको सीएम राहत कोष से भाजपा सरकार चोरी छुपे आर्थिक मदद दे रही, तो किस तरह से दोगलापन भाजपा का असम में सामने आ रहा है कि मुसलमानों को कुछ नहीं और हिंदू संगठनों के जो स्कूल है उनको चोरी छुपे पैसे दिए जा रहे हैं, इसका आरोप SFI ने लगाया है। एक MP ने यहां पर आकर